we are explaining division method. Okay, आज हम division method पढ़ेंगे finding HCF. HCF से हम division की method से हम HCF कैसे find करते हैं. मैंने आपको बताया था कि वैसे find करने की two methods होती है, एक होती है prime factorization method और एक होती है division method. तो आज हम पढ़ेंगे long division method. Okay, तो long division method क्या होती है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं और डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं. 108 and 132, ये दो नंबर जो मैंने वैसे तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, बट उन्होंने आपको बोला है कि इसको कौन सी मेथड से फॉलोइंग फाइंड करना है, आपको डिवीजन मेथड से. ओके, अब डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे आप एचसीएफ? एचसीएफ को डिवीजन मेथड से फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लार्ज नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लार्ज नंबर में ही स्मॉलर नंबर से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि आपको स्मॉलर नंबर से लार्ज नंबर में आप डिवाइड करो. तो पहले लार्ज नंबर लेंगे, फिर उसको स्मॉलर नंबर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, फिर इस टाइप से जो रिमाइंडर बचते जाएंगे उस रिमाइंडर से आप जो है स्मॉलर नंबर है उसमें क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे. ये प्रोसेस आपको कब तक करनी है, जब तक कि आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है, जब तक कि आप प्रोसेस आपको फॉलो करनी है. करते हैं इसको, अब इसमें लास्ट नंबर क्या है, 132 है, और स्मॉलर नंबर क्या है, 132. मैंने आपको क्या बताया कि लार्ज नंबर स्मॉलर नंबर में आपको डिवाइड करना है, जैसे 132 है, और 132 से किसमें डिवाइड होगा, 108 से डिवाइड होगा, क्योंकि 108 स्मॉलर नंबर है, तो हमको हमेशा स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है. अब 108 में 132 कितनी टाइम्स डिवाइड होगा, 108 × 1 = 216, तो ये तो डिवाइड नंबर आएगा, तो 1 टाइम्स कितने टाइम्स डिवाइड हुआ आपका, ये 1 टाइम्स. ओके, ये 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, आपने 1 लिख दिया, 108 कितना आ रही है, 108 × 1 = 108, 2 टाइम्स ले रहे थे 216 आ रहा है, जो कि बिगर नंबर है, तो 12 में से 8 माइनस हो कितने बचेंगे आपके, 4, 3 में से 1 गए कितने बचेंगे, 2, 1 में से 1 माइनस हुआ कितना आया, 0, तो इसको तो हमने क्रॉस कर दिया. अब आपका आ गया 24 क्या आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया. अब आपको क्या करना है, जब भी रिमाइंडर आता है तो आपको उसको डिवीजर से ही डिवाइड करना है, डिवीजर में उसको क्या करना है, डिवाइड कर देंगे उससे, मतलब 24 का जो डिवीजर होगा किससे होगा, 108 से, हमेशा डिवीजर से आपको डिवाइड करना है. ओके, तो आपको आ रहा है समझ में, ये फर्स्ट डिवीजर हो गया आपका, कौन सा डिवीजर हो गया, ये फर्स्ट डिवीजर 108. अब सेकंड डिवीजर क्या हो जाएगा आपका, ये जो आया है 24, ये आपका हो जाएगा सेकंड डिवीजर, क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड डिवीजर, इसमें किससे डिवाइड करना है आपको, 108 से, किससे हो जाएगा ये, 108, ये इस टाइप से डिवाइड होता जाएगा आपका. 24 में 108 से करते हैं, 24 आ गया. अब 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स.
टू टाइम्स में आया तो 24। आंसर क्या आ जाएगा आपका? जीरो। कितना आ गया? 24 माइनस 24 कितना आ गया आंसर? जीरो। तो लास्ट डिवीजर कौन सा था जिसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है? जीरो। तो 12 है, 12 जो थर्ड डिवीजर है जिसको डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो 12 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये 12 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? एचसीएफ ऑफ 108 एंड 132 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? एचसीएफ जो थर्ड डिवीजर है 12। कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ थर्ड डिवीजर? 12। इस थर्ड डिवीजर से हमने जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो आपको कब तक ये प्रोसेस करनी है? जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? जीरो नहीं आ जाए। जब आपका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस वाले डिवीजर को आप क्या मान लेंगे? आपका एचसीएफ। ये थी हमारी लॉन्ग डिवीजर मेथड। ओके, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर है, बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर का डिवाइड होता है। ये आपको समझ में आ गया? तो बिगर नंबर क्या है? 132। स्मॉलर नंबर क्या? 100 है। ये हो गया। अब 132 में 108 से मेरे को डिवाइड करना है, तो कितनी टाइम्स डिवाइडेशन हुआ? 1 टाइम्स। कितना हो गया? 1 टाइम। तो 132 में 108 माइनस किया मैंने तो कितना आया? 24। तो ये फर्स्ट डिवीजन है, ये माइनस करने पे रिमाइंडर आया, ये क्या हो गया आपका? सेकंड डिवीजन। अब यहाँ पर ये जो 108 है ये हो गया, इसे राइट किया मैंने, 24 में 108 फोर टाइम्स डिवाइड होगा 96 आया, तो आंसर कितना आ गया? 12। ये मेरा थर्ड डिवीजन था, तो 12 में किससे डिवाइड करेंगे हम? 24। मतलब डिवीजन ही लिखा है आपका मेरा। 12 डिवीजन कितने हो गए? 24 में से 24 माइनस किया कितना आ गया? जीरो। तो ये मेथड तब तक कर लिया जब तक कि जीरो नहीं आ जाता। तो जीरो लाया, डिवीजर कौन सा यूज किया मैंने? 12 डिवीजर यूज करने का आंसर क्या आ रहा है? जीरो। तो 12 इज अवर आंसर। एचसीएफ ऑफ 132 इज इक्वल टू 12। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर जीरो या टू हो जाएगा, जिस डिवीजर से हम डिवाइड किया है वही हमारा आंसर होगा, और जब हम डिवाइड भी कर रहे हैं तो डिवीजर ही आपको लेना है। ओके, इस टाइप से मैं आपको एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमको किस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारी कौन सी मेथड थी? लॉन्ग डिवीजन मेथड थी। क्या फाइंड कर रहे थे हम? एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन की मेथड से हमने क्या फाइंड किया? एचसीएफ फाइंड। ओके, अब वापस से मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 58 एंड 70। इसी आपकी बुक का ही है, 58 एंड 70। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बिगर नंबर में स्मॉलर नंबर का डिवाइड होगा, तो बिगर नंबर क्या है आपका? 70 यानी 70। स्मॉलर नंबर क्या है? 58 यानी 58। ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट डिवीजन। क्या हो गया आपका? ये फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब डिवाइड करते हैं, 58 टू सा कितने होते हैं? वो जो भी नंबर होगा पर उससे 70 से तो बिगर ही आएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा। कितना आ गया ये? 10 में से 8 में कितने बचेंगे? 2 1 मतलब 12 आया ये। 12, अब ये जो 12 आया ये आपका क्या बन गया? सेकंड डिवीजन। क्या बन जाएगा आपका? ये सेकंड डिवीजन। अब यहाँ पर 12 तो लिखा है पर अंदर क्या आएगा आपका? डिवीजन ही लिखना है, ये फर्स्ट वाला डिवीजन राइट करना है। 58, 12 की टेबल में 58 आता है क्या? नहीं आता। 12 1 24 12 36 12 48 एंड 12 5 60, तो 5 टाइम्स करने पर 60 ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो 4 टाइम्स डिविजिबल होगा 48। माइनस करेंगे कितना आएगा आपका? 10। कितना आया? 10। ये जो 10 आया ये आपका कौन सा डिविजन हो जाएगा? थर्ड डिविजन। ये जो रिमाइंडर आया था, अब डिवाइड किसमें करना है? 10 को किसमें से? 10 का डिवाइड किससे करेंगे? डिविजर से करना, सेकंड डिविजन। कितना है आपका सेकंड डिविजन? 12। तो 10 12 10 1 10 10 2 20 20 ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 10 1 10। कितनी टाइम? 12 में से 10 में कितने बचेंगे? 2। कितना आया आपका? 2 आया। अब 2 है ये कौन सा डिविजर हो गया आपका? फोर्थ डिविजर। कौन सा डिविजर बन गया आपका? ये फोर्थ डिविजर। अब मैंने आपको क्या बताया था? तब तक करना है जब तक कि आपका जीरो नहीं आ जाता। अब टू, अब इसके अंदर कौन सा डिवीजर आएगा? थर्ड डिवीजर आ जाएगा। थर्ड डिवीजर क्या है आपका? 10।
टेबल में देना आता है 5 टाइम्स, 10 में से 10 माइनस होगा 0, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0। और कौन से डिविजर से डिवाइड करने पर आ रहा है 2 से, 4 डिविजर जो है 2 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या जाएगा आपका 2। ओके, ये हमारा आंसर है, 2 इज अवर आंसर। ना कि 5 मत लिखना या 10 मत लिखना या 0 मत लिखना, जो डिविजर है वही हमारा आंसर होता है। इज दैट क्लियर, कि जो डिविजर है, जिस डिविजर से हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड करने पर 0 आया तो आंसर क्या होगा 2 होगा, ना कि 0 ना 5। जो डिविजर है जिससे डिवाइड करने पर आया वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस टाइप से हमने ये लॉन्ग डिविजन मेथड के थ्रू भी हम एचसीएफ क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आपकी बुक में मैंने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड एक्सप्लेन किया है, बट आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की पार्ट है लॉन्ग डिविजन मेथड, आपको इसमें फॉलो करनी है। उसी मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये लॉन्ग डिविजन मेथड समझ में आ रही होगी। इसके पहले हमने एचसीएफ फाइंड करा था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करा था, फिर देन ये हमने किससे करा है, लॉन्ग डिविजन मेथड। ओके, थैंक्स।